नमस्कार दोस्तों, मैं के सी साहू सर आप सबका स्वागत करता हूं आपका ही अपना चैनल के सी सर के क्लासेस में। दोस्तों सबसे पहले आप सबसे अनुरोध है कि इस वीडियो को आप लोग फुल स्क्रीन करके ही देखिएगा ताकि आपको सारी प्रक्रिया जो है बहुत ही आसानी से समझ आ सके, क्योंकि इस प्रकार के वीडियो को मैं अपने मोबाइल के माध्यम से बनाता हूं ताकि आप सभी कार्य अपने मोबाइल के माध्यम से ही कर सके। दोस्तों एक बात और बोलना है, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि इसी प्रकार के वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आइए दोस्तों आज का वीडियो प्रारंभ करते हैं। दोस्तों यदि आपने निष्ठा प्रशिक्षण किया है और आपको डाटा क्षतिपूर्ति की राशि अभी तक प्राप्त नहीं हुई है तो उसका आवेदन कैसे करें? जी दोस्तों इसका आवेदन आप सीजी स्कूल पोर्टल के माध्यम से बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। इसके लिए आपको सीजी स्कूल पोर्टल को लॉगिन करना है और उसके बाद छोटी सी प्रक्रिया है, बस 2 मिनट लगेगा, उस प्रक्रिया को पूरा कीजिए, फिर आपके अकाउंट में डाटा क्षतिपूर्ति की राशि आ जाएगी। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सिंपल सा आपको सबसे पहले सीजी स्कूल पोर्टल में लॉगिन कर लेना है। उसके बाद क्या करना है मैं आपको बहुत ही सरल तरीके से बताता हूं। तो सबसे पहले मैं लॉगिन कर लेता हूं। तो यहाँ पर देखिए मैंने लॉगिन कर लिया है। अब यहाँ पर मैं शिक्षक के कार्य को क्लिक करूंगा, शिक्षक को क्लिक करूंगा। जैसे शिक्षक को क्लिक करते हैं तो ऊपर में देखिए आपको इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा, इसको आपको क्लिक करना है 3 लाइन को। उसके बाद शिक्षक के कार्य यहाँ पर दिख रहा है, इसको हमें क्लिक करना है। शिक्षक के कार्य को क्लिक करने के बाद ऊपर में देखिए यहाँ से आप नीचे आएंगे, यहाँ पर देखिए लिखा है निष्ठा प्रशिक्षण के डाटा की क्षतिपूर्ति हेतु, है ना, आपको आवेदन करना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसको आप क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका नाम दिखाई देगा। ध्यान दीजिए यदि इस प्रकार आपका नाम नहीं दिखाई देगा तो आप क्या करिएगा, ऊपर में आपको यहाँ पर आपका आईडी डालने के लिए ऑप्शन दिखाई देगा। जी हाँ, यहाँ पर आप अपना आईडी डालिएगा, आपका जो कर्मचारी कोड है उसको आप यहाँ पर डालिएगा। उसके बाद इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा। यदि आपको इस प्रकार का इंटरफेस डायरेक्ट दिखाई देता है तो अच्छी बात है, और यदि इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई नहीं देता है तो आपका जो कर्मचारी कोड होगा उसको यहाँ पर एंट्री कीजिएगा। उसके बाद इस प्रकार का इंटरफेस आपको दिखाई देगा। जैसे यहाँ पर देखिए मेरा कर्मचारी कोड दिखाई दे रहा है, मैंने पहले से भर रखा है, तो यहाँ पर मुझे सभी जानकारी यहाँ पर दिखाई अभी नहीं दिख रहा है। देखिए यहाँ पर मेरा नाम नहीं दिखाई दे रहा है और यहाँ पर केवल कक्षा दिखाई दे रहा है, बाकी यहाँ पर देखिए सभी विषय, मतलब यहाँ पर देखिए बैंक की जानकारी बिल्कुल खाली दिखाई दे रहा है। लेकिन यदि मैंने पहले से भर रखा होगा तो ऊपर में देखिए यहाँ पर लिखा है जानकारी देखें। जैसे ही जानकारी देखें को हम क्लिक करेंगे तो सभी जानकारी यहाँ पर क्या हो जाएगा, दिखाई देने लगेगा। तो मैं आपको यहां पर क्लिक करके दिखाता हूं कि वो जानकारी दिखाई देता है कि नहीं देता है ना। ये देखिए यहां पर मैं जानकारी देखें को क्लिक करता हूं। ये देखिए जैसे ही मैंने जानकारी देखें को क्लिक किया तो यहां पर सभी जानकारी जो है यहां पर दिखाई देने लग गया है। मैं आपको जूम करके दिखा देता हूं। ये देखिए यहाँ पर मेरा नाम दिखाई दे रहा है ऊपर में, और नीचे में सभी जानकारी, बैंक की जानकारी भी यहाँ पर आप डिटेल में देख सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा आपको यहाँ पर कुछ जानकारी और है जिसको आपको भरना होगा। जैसे आप जिस क्लास से संबंधित हैं, मतलब आपने जिस क्लास से संबंधित निष्ठा प्रशिक्षण लिया है, जैसे कक्षा पहली से लेकर 5वीं तक का लिया है तो आप यहाँ पर कक्षा पहली से लेकर 5वीं तक को क्या करेंगे, यहाँ पर चयन करेंगे। जैसे ही चयन करेंगे तो आपको यहां पर विषय आ जाएगा नीचे में देखिए, फिर इस विषय की जानकारी को आपको क्या करना होगा, पूरा भरना होगा। ठीक है, तो अगर आपने सभी विषय से किया है तो आप यहां पर सभी विषय को क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद बैंक का जानकारी हो गया है, नीचे में देखिए एक क्लिक करना है, मैं प्रमाणित करता या करती हूं कि उपरोक्त बैंक विवरण सभी क्या है, सभी सही है, तो आप इसको क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही क्लिक करेंगे फिर नीचे में आपको यहां पर सुरक्षित करने का ऑप्शन मिलेगा, उसको आप क्या कर दीजिएगा, क्लिक कर दीजिएगा। हाँ, यदि आप मिडिल स्कूल के शिक्षक हैं तो यहां पर ध्यान दीजिए आपको मिडिल स्कूल चयन कर लेना है। यहां पर कक्षा 6वीं, 7वीं और 8वीं। उसके बाद आपने जिस विषय का प्रशिक्षण लिया है, जैसे आपने गणित का लिया है तो यहां पर गणित को क्लिक कर दीजिएगा। अन्य जो भी विषय किए होंगे उसको आप क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, नीचे देखिएगा यहां पर आपको इसको प्रमाणित करने वाले को क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको क्या कर देना है, यहां पर सुरक्षित कर देना है। आप जिस भी विषय से प्रशिक्षण लिए हैं उसको क्लिक करना अनिवार्य है। उसके बाद आप यहां पर सुरक्षित कर देंगे। जैसे ही सुरक्षित करेंगे, आवेदन सफलतापूर्वक जमा कर लिया गया है, ये देखिए हो गया। तो इस प्रकार आपने बहुत ही आसानी से निष्ठा प्रशिक्षण डाटा क्षतिपूर्ति हेतु आपने आवेदन कर लिया है। तो दोस्तों उम्मीद है यह वीडियो आपको बहुत ही आसानी से समझ जरूर आया होगा। आइए यहाँ पर देखते हैं। ये देखिए जब आप कंप्लीट कर लेंगे तो आपके मोबाइल में इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। ये देखिए अब आप अपना जानकारी देखना चाहते हैं तो यहाँ पर जानकारी को क्लिक कर सकते हैं और ये आपकी जानकारी पूरा दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों उम्मीद है यह छोटा सा वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही उपयोगी होगा। इस वीडियो को अपने शिक्षक साथियों तक शेयर अवश्य कीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसे ही बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।